तो एक तरफ बीजेपी ने अपनी बैठक में रणनीति बनाई, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराने का निर्णय ले लिया है। बढ़ते अपराध से लेकर पुलों के लगातार गिरने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, देखिए, एक तरफ बीजेपी रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ आरजेडी ने हल्ला बोल कर दिया है, क्या क्या अहम एजेंडे रहे हैं आरजेडी के? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद उधर बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ी है, इसमें कोई इसको इनकार नहीं कर सकता है। और देखिए, जिस तरीके से लगातार जो सारण में भी ट्रिपल मर्डर केस सामने आया, और सबसे बड़ा हत्याकांड जो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के जो निर्मम हत्या कर दी गई, उसको लेकर अब बिहार सरकार की खूब आलोचना हो रही है। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो बिहार के सिस्टम उसमें रिटायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी जो है काम कर रहे हैं, इस कारण से मौजूदा बिहार की हालात और बिहार में जो है जंगल राज वाली स्थिति बन गई है, विपक्ष का कहना है। और यही वजह है कि जीतन सहनी के हत्या के बाद सियासत और भी गर्म हुई और कल आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग तुरंत बुलाई गई और बहुत ही अल्प समय में यह कहा गया कि मीटिंग रखी गई है और उसमें पार्टी के जो आरजेडी पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और भाकपा माले के भी उसमें राज्य सचिव कुणाल मौजूद थे, सीपीआईएम के भी नेता थे, लेफ्ट के भी कई नेता थे और कांग्रेस के जो राज्य सचिव तमाम नेता कल बैठे हुए थे और करीब घंटों भर आरजेडी के बोर्ड रूम में मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा कि जो हमारी बैठक उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध लूट डकैती अपहरण ये बढ़ रहा है, इसको लेकर अब राजद और पूरा महागठबंधन की तरफ से 20 तारीख को यानी कि परसों जो है सभी मुख्यालयों पर अब प्रतिरोध मार्च होगा। उन्होंने 2005 के पहले वाली स्थिति पर जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं बार बार अपने भाषण में कि 5 के पहले क्या स्थिति थी, तो हमको 5 से पहले वाला ही बिहार चाहिए। उन्होंने पूरा आक्रह को लेकर जिक्र भी किया है कि आपको अगर क्राइम का जो लिस्ट है वो ग्राफ है वो आप देख ले कि 2005 के पहले ही स्थिति सही थी। नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार बिल्कुल जो है सुरक्षित नहीं है, बिहार के लोगों में अब भय का स्थिति है। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पिता के साथ इस तरीके की हत्या हो जाए तो इसमें आम जन कैसे सुरक्षित है, और लोग अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और देखिए, राजद की तरफ से कई नेता लगातार वीडियो जारी करते हैं, तेजस्वी यादव लगातार सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हर दिन वो जो है बुलेटिन जारी करते हैं वीडियो के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर तंज कसते रहते हैं और लगातार क्राइम को लेकर तेजस्वी खूब जो है बिहार सरकार पर अब सक्रिय रहता है। ऐसे में आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से निर्णय लिया गया है कि आने वाले 20 तारीख को सभी मुख्यालयों पर वो प्रतिरोध मार्च करेंगे और इस तरीके से अगर सिस्टम नहीं हो, क्योंकि कल छात्र राजद के जो स्टूडेंट भी है उन्होंने भी नीतीश कुमार का पुतला दहन किया, आज भी छात्र राजद के द्वारा जो है नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया, तो ऐसे में विपक्ष काफी हमलावर है बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर और सिस्टम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये निर्णय लिया गया है सामूहिक रूप से पूरे इंडिया गठबंधन के घटक दल और राजद की तरफ से, और देखना होगा कि जब वो प्रतिरोध मार्च करते हैं, क्योंकि ये निर्णय बहुत बड़ा है, वो पुलिस मुख्यालय के सामने बैठकर प्रतिरोध मार्च करेंगे तो किस तरीके का माहौल और उसके बाद सरकार तक क्या कुछ मैसेज जाएगा, ये सब तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर और आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से प्रतिरोध मार्च किया जाएगा उधर। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इसका कैसे जवाब देती है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, बढ़ते अपराधों से लेकर पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और अब सड़क पर उतरकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है, तो देखने वाली बात होगी कि सरकार का जवाब क्या कुछ आता है। अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही फिलहाल इतना ही, उम्मीद दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।